विशाल जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, जब एक बार राधा नाम लेने से पाप नाश हो जाता है तो बार बार राधा नाम क्यों जपना चाहिए? आगे मत पाप करो, विश्वास करो, आज के बाद मत करना, बस बैठे जाओ। आप देखो इंद्रिया कहां जा रहे हैं, राधा पक्का लिखित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आगे वृत्तियां विषयों में नहीं जानी चाहिए, संसार में नहीं जानी चाहिए, भोगों में नहीं जानी चाहिए। बोले तो रोक ही नहीं सकते, तो हर वृत्ति में राधा राधा बोलो। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, समझ रहे ना, काम तो हो गया तुम्हारा, लेकिन उसके ऊपर गंदगी मत डालो, बैठ जाओ शांत होके। बैठ पाओगे? बोले नहीं। तो बोले फिर अनवरत करो, अनन्य चेता सततम, सतत स्मरण करो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो कि चित्त तुम्हारा कहीं जाए ना। तो कैसे करें? लगाओ नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, गुरुजनों की वाणी में। समझ पा रहे हो हमारी बात? काम तो हो गया पर शांत हो जाओ, तुम्हारा पुराना स्टॉक जितना खत्म, अब आगे उस गोदाम में को गंदा मत करो। बोले हो ही नहीं सकता, करेंगे, क्योंकि आप अभी देखो, छोड़ के देखो, एक भूत का मंत्र मिला शिष्य को, उसने सिद्ध कर लिया, भूत प्रकट हुआ, उनका काम बताओ, ये काम 2 मिनट में कर दिए। भूत ने कहा काम बताओ, बोले अब तो काम नहीं, बोले उठा के पटक देंगे, जान से मार देंगे, हमें सिद्ध किया, हमें हर समय काम में लगाए रखो। भागे गुरुजी के पास, गुरुजी समस्या हो गई, हम तो भूत इसलिए सिद्ध किया था कि हमारा काम कर दे। वो कह रहा काम बताओ, कितना बतावे, वो जल्दी से जल्दी कर लेता है, अब क्या करें, वो कह रहा काम नहीं बताओगे तो मार देंगे। तो बोले ठीक, एक खंभा लकड़ी का ऐसे गाड़ दो और उसे कहो चढ़ो उतरो, और जब काम होगा तो उसे काम बता देंगे, कहते यही काम है, चढ़ो उतरो, तुम्हें वो मार नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना, ये मन है भूत, ये मार देगा, अगर इसे सही ढंग से नहीं लगाया ना तो तुम्हें मार देगा। क्या करे? नाम रूपी खंभा गाड़ दो, राधा 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 राधा। अब और काम है तो लग गए माता पिता की सेवा में, गुरु की सेवा में, समाज की सेवा में, वो लगा रहेगा, मार नहीं पाएगा। और जहां फिर खाली हो, राधा 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 राधा। इसलिए कह रहे हैं कि निरंतर राधा नाम जपो। समझ में आया? कोई प्रश्न इस पे? पवन कुमार जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अंदर से वैराग्य धारण करने की तीव्र इच्छा हो रही है और अध्यात्म मार्ग में चलने का मन करता हो, परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे मन विचलित हो जाता है। उसे वैराग्य ही नहीं कहते हैं। वैराग्य का मतलब होता है किसी से सलाह लेना, किसी घटना से देखकर विक्षिप्त हो जाना, इसे वैराग्य थोड़ी कहते हैं, इसे मरकट वैराग्य कहते हैं। मरकट में थोड़ी देर श्रृंगार करो, बंदर कसम नोच के बाहर फेंक देगा, इसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब ये होता है कि घटना देखकर विक्षिप्त होना, अपने ऊपर घटना घटती है, ऐसा क्या कि घटना देखकर वैराग्य में फर्क पड़ जाए? वो घटना ही क्या है, वो घटना ही क्या है जो हमारे वैराग्य को, वैराग्य का क्या अस्तित्व तो रह गया फिर? जब राग रही थे तो घटना का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? राग में ही तो घटना का प्रभाव पड़ता है। आप कह रहे हो वैराग्य बढ़ रहा है, और अध्यात्म तो कोई घटना ही नहीं, फिर अध्यात्म क्या? उमा काउ में अनुभव पना, सत हरिभजन, जगत सब सपना, सपने का कोई अस्तित्व, इन घटनाओं का कोई अस्तित्व है? उस अविनाशी आत्मा पर किसी शस्त्र का प्रहार, किसी अग्नि का, किसी मंत्र का कोई प्रहार काम नहीं करता, और वही मैं हूं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदेन त्यापो, न शोष्यति मारुता। कौन सी घटना मुझे परास्त कर सकती? मेरा शरीर नष्ट होगा, अभी नष्ट कर दे, उसका विधान अभी नष्ट कर दे, 100 वर्ष बाद नष्ट करे, मैंने पहले ही उसे नष्ट हुआ मान रखा हूं, क्योंकि मैं बैरागी हूं। अब घटना हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कौन सी घटना बिगाड़ लेगी? अभी राग ही नष्ट नहीं हुआ बच्चा, इसलिए वैसी बात आ गई। समझ रहे ना हमारी बात? वैराग्य मतलब घटना। अरे अभी वैराग्य को समझा ही नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दर्श मधु करी छकत छके रहत दिन रैन, रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल है यह प्रेम पहचान। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुब्रजाम्यम नित्यम पुए त्यंग रेणु भी। सरकार बोल रहे हैं निरपेक्ष है, किसी की कोई परवाह नहीं। मुनि मननशील गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम जप रहा है। शांतम किसी भी द्वंद्व में वह शांत नहीं होता। निर्वैरम किसी से दुश्मनी नहीं है उसकी। समदर्शिना सब जगह भगवत स्वरूप का
ऐसे महात्मा के पीछे मैं घूमता हूं चरण रज रेलने के लिए। भगवान कहे अनुब्रजाम्य हम अहम अनुब्रजाम्य हम, पूरे पवित्र होने के लिए रेणु भी चरण रज लेने के लिए। फिर क्या यार, ऐसा कैसे तुम बहुत कमजोर बात कह दिए। वैराग्यवान और आत्मबोध प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने की आग लग जाए, फिर ये कोई परवाह हो। अरे न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहे करे, न संकभूत प्रेत की, न देव जक्षते डरे, सुने न कान और की, दृशे न और इच्छना। ये महावीर का मार्ग है, साफ कुछ रौंदता हुआ आगे बढ़ता है, कोई उसे रोक सकता है? हार त्रिशूल, हार शूल या फूल बनता है, ये भगवत मार्ग है। डाल तू हमारे सामने जितनी विपत्तियां डालना है, कैसी वो हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी न सिकवा करेंगे किसी से। प्यारे तो देख तेरे के लिए जीवन समर्पित, अब जो खेलना है खेल, जो खेलना है खेल, मृत्यु से बढ़कर कोई खेल नहीं हो। मृत्यु तू मेरा प्रीतम है, पढ़ो विभूतियों में भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं तू हूं। जब आप आ रहे तो फिर मृत्यु भयभीत कैसे कर सकती है? मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, इससे बड़ी कोई घटना होती है? एक कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं सूरवीर, केवल डायलॉग थोड़ी है, केवल वचन थोड़ी है, जीवन है, करके देख ले। मालिक से कह रहे एक एक रोम कटवा दे, एक एक अंग कटवा दे, तेरे से प्यार किया है, प्यार है तेरे ही बल से, तेरे ही बल से तेरे से प्यार किया, मिटा दे जो मिटाना चाहे। अब क्या डर, क्या डर? अपना कोई है तो डर है, मान है, शरीर है, मन है, कोई है तो डर। अब अपना क्या डर, अला आगे ल पीछे ल ऊपर ल नीचे, तू ही तू है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। अब काहे को डर यार, काहे को डर, बिल्कुल नहीं। अरे अभी बच्चा समझे ले हो, कुछ समझो या ना समझो, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन ब्रसवान लली। अभी सब रंग आ जाएगा, मानो तो, मान के चलो तो जान जाओगे, जान गए तो निहाल हो जाओगे। पहले नाम जप करो, कभी ऐसा कदम मत निकाल देना, ये आग का मार्ग है। अगर कदम निकाल के पीछे गए तो धोबी का कुत्ता घर न घाट का, सीधी बात। कदम तब बढ़ाना जब मृत्यु का वरण कर लेना, मैं मरा, अब अमर हो जाओगे। और अगर इसमें डर के कि पता नहीं ऐसा लो, मत निकालना, ये बड़ा ही कठिन मार्ग है। प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभात नाय, चल के मोम तुरंग पर चलिबो पावक माए, मोम के घोड़े पे बैठ के आग की ज्वाला से निकल रहा है मार्ग है। हा ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, बरत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ लाह पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाही। भगवान के सहारे नाम जप करते हो मस्ती से। हम तो कई बार कहते हैं ये बात समझ जाए, केवल राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे मेरी बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। आप कौन है समझ रहे हो? ऐसे पिता के पुत्र हो जो परम अविनाशी सच्चिदानंद है। कोई आंख तुम्हारी तरफ टेढ़ी करेगा, ऐसा कोई त्रिभुवन में पैदा नहीं हुआ। पर हम कई बार कहते हैं कि एक कांच है, ऐसे कंकड़ मारो टूट जाएगा, और एक कांच है, गोली मारो तो नहीं टूटेगा। ओ बुलेट प्रूफ कैसे बना? बोले गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा करते करते उसको इतना मजबूत कर दिया कि गोली भी नहीं। ऐसे हमारे भगवान करते हैं, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी तिरस्कार, कभी ये, ऐसी परिस्थितियां पैदा करके हृदय को बुलेट प्रूफ कर देते हैं। द्वंद्वैर में मुक्ता, अब सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति का कोई फर्क नहीं। अब उस स्थिति को झेलने के लिए तैयार हो कि इतना गर्म ठंडा किया जाएगा, उसको मजबूत करके ही छोड़ेंगे। अपने दास को भगवान ऐसा महान बना देते कि त्रिभुवन का कोई भी दुख सुख उसे परास्त न कर पाए, क्योंकि भगवान जैसे है वैसे ही भगवान का दास हो जाता है। तस्मित तज्जने भेदा अभावात, भगवान और भगवान के जन्म में भेद का अभाव है, अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मुकेश कुमार गौतम जी जयपुर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी हमारी प्रीति भगवान श्री राम के चरणों में है, हम निरंतर राम नाम का जप
भी करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, हमें आपके प्रवचनों से ही नाम जप का आदेश मिला है। महाराज जी, क्या हमें किसी राम भक्त को ही गुरु रूप से वर्णन करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, गुरु हमारे हृदय का विषय होता है। अगर हम कंठी और तिलक बंधवाना मात्र गुरु समझे तो मुझे लगता है कि मुझे भूल हो जाएगी। और हमने ऐसे हजारों लोग देखे जो कंठी और तिलक हमसे नहीं बंधवाए, लेकिन नाम में प्रीति, गंदे आचरणों का त्याग और अच्छी भावनाएं प्रकट हो रही, तो क्या वो हमारे नहीं है क्या? क्या कंठी तिलक बंधाने से केवल हमारा होता है क्या? आप हमारी बात समझ गए? अब कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें सत्संग में ना मिलती हो? कोई ऐसी बात है जो सत्संग में ना मिलती हो? मिल रही ना, बस आप चाहे यहीं से बोला जाता है, राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, शिव जपो। अभी तो कई महीनों से चल रहा है, रघुनाथ जी का ही चरित्र चल रहा है सुबह प्रातः सत्संग में। हमको भगवान नाम जप करना है, संत मुख से सुन लिया, कई बार कहा राम कृष्ण हरि, सुन लिया, अब जप कर। अभी आगे का भगवान का काम है, किसको मिलाते हैं, किस रूप में गुरु रूप से आते हैं हमें नहीं पता। आप जानो, हमारे तो आप ही गुरु, आप हमारे इष्ट हो, वही मिला देंगे। वो जहां मिलाना, तो तुम्हारे हृदय में एकदम आनंद आ जाएगा, शीतलता आ जाएगी और लगेगा यही मेरे जीवन धन है, यही मेरे गुरुदेव है, बात बन जाएगी। हम अपनी तरफ से ये दौड़ भाग करेंगे तो ऐसा ना हो जाए कि हम ना समझ पाए और फिर बाद में हमारी अश्रद्धा हो जाए तो हमारा जीवन रुक जाएगा, परमार्थ रुक जाएगा। तो हम ये बात भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमको भी जानते हैं और गुरु को भी जानते हैं, सब गुरुओं के गुरु हैं। आपको जिस गुरु से या जिस रूप में मिलना हो, आप हमारे पास, हम आपका इंतजार करेंगे और जपो राम 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 राम। जी राम राम जप करते हैं और हमारी जो है श्रद्धा आपके प्रवचनों से ही ज्यादा बढ़ी है जी। तो भाव बच्चा मानने का भाव है, मानने का है। क्या गुरु, गुरु क्या एक तत्व है या सौ दो सौ तत्व है, इस पर तुम्हारा कुछ चिंतन कभी गया है? गुरु एक तत्व है ना, हम मान लेते हैं, हम अपने गुरुदेव का वर्ण कर लिया, उनके वचन मान लिए, चल दिए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर वचन नहीं माने तो बाहरी सब करने से अगर भगवान की प्राप्ति होती तो बहुत जल्दी सबको हो जाती, फिर क्या जाता है? ऐसा कहीं भी हमने नहीं देखा है, ना पढ़ा है और ना अनुभव में आया है, उनके वचन मानने से आया है। गुरु का क्या है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कब जब मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो गुरु तो भगवान ही, कभी इंसान गुरु हो ही नहीं सकता, इंसान गुरु नहीं हो सकता, भगवान ही गुरु है। तो देखो, भगवान दे रहे हैं ना, राम राम बोलो, क्या दे रहे हैं? भगवान ही अपना परिचय बता, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, राधा राधा बोलो, ये है गुरु जो निकला ना, ये गुरु है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, प्रकट में तो हमें अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में सब में गुरु तत्व विराजमान। प्रगट में तो हमें ऐसी भावना करनी कि सर्वत्र मुझे अपनी गुरु भावना कर लेनी, पर चलो वो स्थिति नहीं, तो एक जगह जहां हमारा हृदय मान गया कि इनकी बातों से हमारा संशय नष्ट हो रहा है, इस जगह से हमारी प्रीता बढ़ रही, हम वही भाव मान लेते हैं। मानने का सारा खेल है, और जब आगे की बात आएगी वो आ जाएंगे, वो उसी रूप में आ जाएंगे जिस रूप में हाथ पकड़ना है। आप अंदर से भावना बनाते चलिए और ये कार्य भगवान के ऊपर छोड़िए, वो मिला देंगे, वो कर। आप कहाँ खोज पाओगे? विद्यार्थी टीचर की योग्यता नहीं जान सकता, टीचर विद्यार्थी की योग्यता जानता है। ऐसे हम गुरु कौन बनाने योग्य है, हमारे पास क्षमता नहीं कि जान जाए, वो हमें जान सकता है लेकिन हम उन्हें नहीं जान सकते। तो आप जनाना कि आप हमारे गुरुदेव हो और हाथ पकड़ लेना। अब हमने शुरू कर दिया है मान के, तो मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। मान लिया कि ये इस जगह हमारे गुरुदेव व्याप्त हैं और इनके श्रीमुख से हम राम राम सुन के जपना शुरू कर दिया। अब रूप लेकर के वो कौन सा आते हैं, रामानंद तिलक लगा करके आते हैं कि वो कौन सा, वो उनका काम है, हमें बता देना कि आप आ गए गुरुदेव रूप में, खत्म, छोड़ दो उनके ऊपर भार, वो अपने आप मिला देंगे। नहीं मिला देंगे, जैसे अभी मिला दिया है प्रवचन उपदेश, ऐसे ही हाथ पकड़ करके भी चल देंगे, तुम्हें चिंता क्या करनी है, शरणागत अंदर से हो प्रभु की, वो बात बन जाएगी। इसमें कोई संशय लग रहा है?
महाराज जी, जैसे ये बोलते हैं कि मैंने कल यहीं पे बात की थी आश्रम में कि मेरी प्रीति सर महाराज जी से मैं राम नाम में है और राम जी की मैं स्तुति करता हूँ, राम जी की भक्ति करता हूँ। तो जैसे मैंने कल यहाँ पे बात की थी तो बोल रहे थे कि महाराज जी से अगर आप लोगे दीक्षा वगैरह। हम कह रहे दीक्षा का मतलब तुम क्या समझे हो, दीक्षा का मतलब क्या समझो, यही तो ना कंठी तिलक, नहीं तो बात तो हम वही बोल रहे हैं ना। गुरु मंत्र मारा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वाक्यम मंत्र का मूल क्या है, गुरु के वचन। कह रहे हैं राम राम जपो, भगवान के चरित्र गाओ, भगवान की शरण में हो, बात पकड़ो ना। अब तुम अगर इसमें आओगे तो फिर मार्ग बदल जाएगा। तुम जो चाह रहे हो गुरु दे रहा है, और गुरु जो जिस चाहत में है अगर वो चाहत पकड़ना चाहोगे तो अपनी चाहत का समर्पण होता है। फिर कोरा कागज बन करके जाया जाता है। अनुमति और आज्ञा में बड़ा अंतर है बच्चा, फिर अनुमति और आज्ञा में अंतर है। ये अनुमति है आपकी राय में दस्तखत करना, और आज्ञा उसको दी जाती है जो ऐसे केवल होता है। आप क्या जानना चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो, मेरा कोई प्रश्न नहीं, बस मैं आपकी शरण में हूं। आप क्या जनाना क्या पवाना ये आप देखिए, वो एक अलग मार्ग हो गया। और इस मार्ग में वहीं तक पहुंचने के लिए कह रहा हूं, जब आप ऐसे चलोगे ना तो भगवान आगे का मार्ग खोलने के लिए वो आपको उसी रूप में मिल जाएंगे, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। ये वचन मानो ना कि वो मिल जाएंगे, खोजना नहीं पड़ेगा। यहां आप उपाय कर रहे हो, उपाय मत करो, नाम जप करो, उनके ऊपर छोड़ दो, वो आ जाएंगे उस रूप में, आपको वरण कर लेंगे, या आपका संशय मिटा देंगे, या आपका संशय मिटा देंगे, वो उनका खेल है। तुम खूब नाम जप करो, रामचरितमानस पढ़ो, भगवान के भक्तों का सम्मान करो, और प्रभु से याचना करो कि नाथ आप ही हमारे गुरुदेव हो। इष्ट और गुरु में भेद नहीं होता, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपेक। अब जिस रूप से आपको आना हमारे हृदय में निष्ठा पैदा कर दो, अगर वो इधर निष्ठा पैदा कर रहे हैं तो समझ लो उनके द्वारा दी गई, यदि और कहीं निष्ठा तो उनके द्वारा, अभी उनके ऊपर छोड़ो, आप फाइनल में मत रखो, समझ गए जी महाराज जी। तो आपका सत्संग सुनते हैं, थोड़ा सा इनका प्रश्न था मैं पूछ नहीं पाया, कह रहे कि इनको पद का अभिमान ना हो इसके लिए महाराज जी क्या। हाँ देखो, अगर हम कोई साधना भी करते हैं, सूक्ष्मता से समझना, तो अहंकार ऐसी वस्तु होती है कि उसमें वो जाकर के अपने आप पुष्ट कर देता। जैसे कि हम 10 वर्ष फलाहार रहे, तो दूसरों को अच्छा भोजन देखकर खाते देखकर अन्ना दे, हमें गर्व होगा मैं 10 वर्ष से फला रहा हूं, उनके प्रति लघुता आएगी। मतलब परमार्थ के साधन में भी अहंकार का भय रहता कि बढ़ ना जाए। 10 साल से मौन हूं, 12 वर्ष से खड़ा रहता हूं पानी में खड़े होकर, इतना कहीं ना कहीं वो पुष्ट होता है। आपका तो खैर व्यवहारिक पद है, भौतिक पद है, और आप इतनी सावधानी अंदर रखना चाहते हैं कि इसका भी आम ना हो, तो इस अहम को शून्य करने के लिए भगवान का आश्रय है, वो सबसे बड़े हैं। जैसे विचार करके देखो तो जितने भी ब्रह्मादि के भी पद हैं वो सब भगवान के चरणों में झुकते हैं ना। ध्येयम सदा परिभवंगनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम स्वीविरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्दिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जिनके चरणों का ध्यान भगवान शंकर ब्रह्मादि बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, उन्हीं के चरणों का आश्रय ले लो, भगवान के चरणों का आश्रय, तो वो तुम्हारी व्यवस्था सुरक्षा आंतरिक और बाहर भी करेंगे। आंतरिक शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि अहंकार आदि, और बाहरी जो द्वेष करने वाले या जो नीचा दिखाने वाले, अंतर और बाहर दोनों जगह से बचाने का काम नाम करता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं राम नाम मणि दीप धर जे जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाह। तो भगवान के शरण में होकर नाम जप करो, कभी कोई बाल बांका ना अंदर का शत्रु कर सकता है ना बाहर का कर सकता है। पर हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इतने सावधान है आंतरिक के लिए, बाह्य के लिए तो भौतिकता का जब पद मिलता है तो कोनर अस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाई जाय मदलाई, पर आप इतने सावधान हैं कि आप भौतिक पद पे होते भी उस दुश्मन पर नजर रखे जो अंदर बढ़ता है, ये कृपा का लक्षण, इसका मतलब आप पर भगवान की कृपा है। तो भगवद आश्रित होकर नाम जप कीजिए, समाज की सेवा करो, भगवान ने कृपा की, चाहे अगर हम छोटे पद से अच्छे सेवा करते जाएंगे ना तो भगवान, जैसे पिता 1,000 रुपया दे आप उसे सही प्रयोग कर दिए तो 1 लाख की सोच लेगा, और 1 लाख सही खर्चा कर लिए ना तो 1 करोड़ की व्यवस्था, मेरा पिता अनंत वैभवशाली है, समझ रहे हो। और आपको सेवा दी आप इसे अच्छी तरह निभाओ, कहीं कोई ऐसा गंदा आचरण ना हो
जिससे आप पर अंगुली उठे कभी तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। वो चाहे ना मच्छर को भी ब्रह्मा बना दे, मस्क करें बिरंची अज अजय मशक्ते हीन। प्रभु का भरोसा रखो, माता पिता की सेवा में भगवत भाव रखो, ये आपके लिए भगवान के समान है। और जो पद मिला है, जितने लोग आपके सेवा क्षेत्र में आते हैं, एक मित्रवत व्यवहार करो, आत्मवत व्यवहार करो। जो दूसरों को कष्ट देने वाला व्यक्ति हो उसको शासन में लेने की जितना अधिकार है उतनी व्यवस्था करो कि गरीब को, दुखी को, किसी ऐसे को ना सता पावे जिसके पास सहयोग, उसके पास आप खड़े हो जाओ कि इससे लड़ने का मतलब मेरे से लड़ना, तो देखोगे भगवान आपको ऐसे उठाते चले जाएंगे। नहीं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, वह उनके सहारे रहना और कभी डरना नहीं। जो धर्म पे चलता है उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए विपत्ति आ सकती है पूर्व कर्मानुसार, जैसे महाराज युधिष्ठिर पांडवजन बन बन भटके ना, लेकिन चक्रवर्ती पद पर बैठा कौन, युधिष्ठिर ही तो बैठे, विनाश हो गया कौरवों का। इसलिए थोड़ा धैर्यवान बनना कि भजन करता हूं, सबकी सेवा करता हूं, फिर भी लोग हमारी अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। हारना नहीं, वो आगे आपको बढ़ा देगा। चलो अच्छा, शेरविंश महर्षि, महर्षि आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में, और आप उनके साथ के सहयोगी जो कुछ उत्तर प्रदेश मंत्रालय से हैं, कुछ जो कैबिनेट में बैठे हैं, और कुछ पुलिस विभाग के मंत्रालय, महाराज जी आपके श्रीमुख से कुछ आशीर्वचन महाराज जी। देखो भारत सदैव भागवत धर्म से युक्त देश रहा है, अब धीरे धीरे आधुनिकता ऐसी बढ़ती जा रही जिससे हमारे आचरण हमारे धर्म के प्रतिकूल होते जा रहे हैं। वास्तविक अध्यात्म से ही हम सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। दूसरों के सुख के लिए जो जीवन धारण करता है वही महात्मा है, वेश कुछ भी हो। अगर वेश साधु का है और स्वार्थवश वासनाओं की पूर्ति, उसे महात्मा नहीं कहा गया। भले पैंट शर्ट में है, पैजामा कुर्ता में है, धोती कुर्ता में है, पर उसका दूसरों का हित करना स्वभाव बन गया है तो उसी को महात्मा कहा गया है। हमें चाहिए कि हमें जो भी पद भगवान की कृपा से भारत सरकार की पदवी पर जो भी पद मिला है उससे हम समाज में शांति और सुख का विस्तार करें। वो तभी होगा जब यहां होगी, खास बात है। अगर हमारा हृदय शांत है, कैसे होगा शांत हृदय? किसी पद को पाकर, किसी संपत्ति को पाकर, सम्मान प्राप्त करके मन शांत नहीं होता, भय और अशांति से युक्त होता है। कहीं पद छूट ना जाए और कहीं विरोध भावना प्रकट हो जाए, इसका मतलब शांति का कुछ और स्वरूप है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। शांति का स्वरूप है अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो शांत हो जाएगा, उसकी वृत्तियां निर्मल हो जाएंगी। तो ये नहीं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे साधु वेश धारण करने पड़ेगा। महाराज चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी परम ज्ञानी, परम भगवान के भक्त, तो सम्राट पद से तो फिर छोटा ही सब पद होता है। सम्राट पद होता है शास्त्रों राजाओं के ऊपर जो बैठा हुआ है उसे, जिसे बादशाह कहते हैं, वो सम्राट पद था अम्बरीश जी का। तो हमें लगता है कि यदि हम ये बात जान जाएं कि मेरे भगवान ही विविध रूपों में हैं और मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है, और जितना भी हमें सामर्थ्य भगवान ने दी है, जो धर्म विरुद्ध आचरण करेगा, भगवत विरुद्ध आचरण करेगा, शास्त्र विरुद्ध आचरण करेगा, तो शास्त्रीय और राजकीय दोनों जगह कानून बने हुए हैं। राजकीय विधान में भी कानून है और हमारे शास्त्रीय विधान में भी नरक आदि का प्राविधान है। तो इसलिए हमारी सामर्थ्य के अनुसार अधर्माचरण करने वाले, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले, भगवत विरुद्ध धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले को दंड मिलना, और शास्त्र और धर्म के अनुकूल चलने वाले को सहयोग मिलना, निर्बलों की सहायता करना, किसी भी प्रलोभन में आकर अपने धर्म का त्याग न करना। चाहे कोई कितना भी बड़ा पद या धन मिलने का प्रलोभन हो, हम अपने धर्म का त्याग न करें, तो इससे हमारे हृदय में जो सुख आएगा वो समाज में विस्तरित होगा, जो शांति आएगी वो हमारे समाज में बढ़ेगी। जैसे एक किसी कोने में बैठा हुआ
कोई भी भगवत प्राप्त महात्मा सुख शांति से स्थित होकर जब संकल्प करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो जैसे दीपक है उसका जितना प्रकाश है उतना अंधकार नष्ट होगा, ऐसे उस महात्मा का जितना प्रकाश है उतने जीवों का अंधकार नष्ट होगा। तो आपको भी जो पद मिला है, बहुत से नगर गांव लाखों लोग आपके अधीन हो सकते हैं, प्रेम सुख और शांति। आज हम सही ना समझने के कारण कुछ लोग अपने पदों का दुरुपयोग करने लगते हैं। कितने दिन ये पद रहेगा, कितने दिन ये वैभव रहेगा, कितने दिन ये शरीर रहेगा, ये हम खुद अपने से प्रश्न करें। नहीं, एक नियत समय के लिए है। काल से कोई भी अंग रक्षक नहीं बचा सकता, काल से कोई भी सुविधा धन दौलत पद मुझे नहीं बचा सकता, उस कालातीत परमात्मा के सिवा। तो हमारा जितना समय बचा है हम प्रभु का स्मरण करते हुए धर्म पूर्वक चलें, और ये बहुत बड़ी सेवा है। देखो, चाहे हम एकांत गुफा में रहे हो, पर आके समाज सेवा ही करके जाना होगा। तो आपको तो प्रारंभ से ही समाज में रख दिया, और भगवान ने योग्यता दे दी, और आपके हाथ में अधिकार दे दिया। आप लाखों लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं, आप लाखों लोगों को दुख से बचाने का उपाय कर सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना है, जो भगवान ने आपको पद दिया है, ईमानदारी से सत्य को साक्षी रखकर आप उस पद पर चलिए और भगवत स्मरण करते रहिए, तो ये जन्म भी आनंद और सम्मान पूर्वक कटा, और हम भगवान के पास जाकर भी उनका प्यार दुलार प्राप्त करेंगे। ये जगत का जितना भी स्वरूप है, ये प्रतिपल एक रस नहीं रह सकता, ये परिवर्तनशील है। आप देख रहे हैं, एक समय आपकी बाल्यावस्था थी, अनजाने में जान ही नहीं पाए, जवानी आ गई, और जवानी कब कही पता ही नहीं चला, और शरीर शिथिलता और बुढ़ापा की तरफ। तो आगे वाली भी की तो सोच लें, उस दशा का नाम है मृत्यु। जैसे बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, जरावस्था, तो फिर मृत्यु अवस्था। मृत्यु के बाद का हमारा परिणाम, ये हमारी खेती जो हम कर रहे हैं, वह हमें भोगना अवश्य में भोगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो पदों में बैठ करके खूब मनमानी आचरण करते हैं, तो भगवान ने उन्हें उनके सुकृत के अनुसार सौभाग्य दिया कि समाज रूपी नारायण की सेवा कर लो, और अगर वो उससे चूक गए तो फिर ये दुर्लभ देह और ये बहुत ही माननीय पद, ये हमारे किस काम में आए। इसलिए हमारी दैन्य भाव से प्रार्थना है, आप सब जो जिस पद में हो, सत्यता और ईमानदारी से भगवत प्रसन्नता के लिए करोगे, तो है सांसारिक कार्य, पर इससे आपको भगवत प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अम्बरीश जी को पता नहीं था कि मेरी रक्षा में सुदर्शन चक्र है। जब दुर्वासा जी अपने तपस्या के अभिमान में आकर के उनकी परीक्षा के लिए गए और कृत्या प्रकट की, मंत्र से मारण का प्रयोग किया, तो सुदर्शन चक्र जी प्रकट हो गए। जबकि एक वो महात्मा है जो लंगोटी वलकल की लगाकर केवल दूब का रस पीता है, और एक वो राजा जिसकी बहुत सी रानियां और बहुत सा वैभव है, पर वो भगवत सेवा परायण है। खास बात, अम्बरीश जी जगत को भगवान की सेवा मानकर राजपद पर बैठ, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है, काल भी उसे परास्त नहीं कर सकता, जिस पर हरि का वरद हस्त है। मुझे चाहिए कि मेरा जीवन ये तो लाभमय हो ही, और मेरा मरण भी महोत्सव बन जाए। जैसे हमें अभी कहीं विदेश जाना हो और मुझे कोई ना परिचय हो, और तुरंत मुझे देश से निकाला जाए, अब कैसा लगेगा? और अगर मुझे पास दे दिया गया है और वहां व्यवस्था कर दी गई, फिर देश से किया जाए, तो कैसा लगेगा? दोनों बातों को देखो। ऐसे ही ये देश हमें कमाई के लिए मिला है, क्या सत्कर्म की कमाई करके, भजन की कमाई करके हम भगवत धाम पर अपना अधिकार प्राप्त करें, भगवान की नित्य सेवा में पहुंचे। आजकल जो बहुत मानसिकता बिगड़ रही है, व्यभिचार, मदिरापान, मांस खाना, इन किन प्रकार किसी भी हिंसा के द्वारा, अधर्माचरण के द्वारा सुख भोग करना और धन कमाना बहुत गलत है। परिणाम में इसका जो परिणाम आएगा वो आप संभाल नहीं सकते। कोई भी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, भगवान नाम तुम्हें सुख प्रदान करेगा, और ये धर्म विहीन जो आचरण बढ़ रहे हैं, हमें लगता है आप जैसे पदाधिकारी जन अगर मिल करके इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें
तो हमारे नौ युवक यही हमारे भारत देश की आगे चलकर वो पीढ़ी है जो हमारे देश को सुव्यवस्थित सुरक्षित रखेंगे, चाहे वो सेना में कहीं भी हो। अगर हमारा स्वभाव ठीक हो गया, आचरण ठीक हो गए, तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नाम जप कीजिए और सबको भगवत सेवा की भावना से सुख दीजिए, आपको जो पद मिला है वो जीवन सार्थक हो जाएगा। और हम चाहते भी हैं हृदय से कि आपका स्वागत करें, पर एक तो भिक्षुक हैं और दूसरी बात यह है कि जब कोई गरीब जन ऐसे आते हैं और देखते हैं कि बड़े जनों को दुपट्टा मिला, माला मिला, और वो जब रो के हमसे कह देते कि महाराज जी मुझे क्यों नहीं, तो मुझे लगता है एक स्थान तो ऐसा होना चाहिए जहां सबको बराबर प्यार मिलना चाहिए। आपको तो सब जगह सम्मान मिलता है क्योंकि वो है आपका अधिकार, लेकिन वो आदमी जो एक गरीब आदमी आ रहा है, वो जब बाहर खड़ा लाइन में देखता है कि ये लोग तो सब दुपट्टा और हमको एक मिनट खड़े नहीं होना दे, देखा और निकाल ले। तो इसलिए एक दिन नियम ले लिया था कि हम किसी को कोई भी बाहरी स्वागत, हृदय से हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे वचन ही आपके लिए, ये जो आप आए हैं ये हमारी लाडली जो से कृपा से आए हैं, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। जब हनुमान जी का दर्शन विभीषण जी कर रहे हैं तब उन्होंने कहा प्रभु मैं समझ गया कि आज मेरे श्री राम की मेरे ऊपर कृपा है, जो प्रभु मोई अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दर्श अठ देना, अब मोई भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले। तो हृदय का प्यार हम आपको समर्पित करते हैं, आप स्वस्थ रहकर और परम पवित्र बुद्धि के द्वारा हमारे देश की सेवा करें। बाहरी स्वागत हम तो भिक्षुक हैं कि आपको माला पहनाए या चुनरी डालें, ऐसा पहले सोचा था, हमारे मन में था कि अगर हमारे देश के पदाधिकारी जन धर्म का रहस्य समझेंगे तो लाखों को वो सुव्यवस्थित रखेंगे, पर जब उनकी बातें सुनी तो मुझे भी लगा कि इनका तो सब जगह सम्मान होगा, लेकिन उसका तो उसके लिए हमको इस स्थल पे एक श्रेणी रखनी पड़ी, एक श्रेणी में। जैसे हम आपसे हाथ जोड़कर बात करते हैं ऐसे उनसे भी बात करते हैं, जैसे हम आपको कोई माला चुनरी नहीं ऐसे उनको भी कोई माला चुनरी नहीं, तो एक समान भाव हो गया। तो संत के दरबार में समान भाव ही, समता ही, यही सबसे बड़ा भगवान का आशीर्वाद होता है जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम प्रगट में आपको चुनरी और माला नहीं पहना पा रहे।
जैसे कोई कहता है ना कि हमारा जन्मदिन है, तो संसारिक जन्म नहीं कहते हैप्पी बर्थडे, ऐसे हैप्पी हो जाओगे, हैप्पी ऐसे हो जाओ जब तक तुम्हारे पास नाम रूपी धन नहीं है, अच्छे कर्म नहीं है, बुजुर्गों की सेवा नहीं है, तो तुम हैप्पी कैसे रह सकते हो? कहने से हो जाएगा? बोले हैप्पी बर्थडे तो ऐसे हो जाएगा हैप्पी, ऐसे कहने से हो तो हम सब मिलकर बोले भारत पूरा हैप्पी हो जाए, विश्व ब्रह्मांड हैप्पी, ऐसे प्रसन्न हैप्पी होने प्रसन्न होता है, क्यों होता है? तो प्रसन्न कब होगे? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, जब भगवान की कृपा का अनुभव करोगे, दूसरों की सेवा करोगे, तब नाम जप करो सब, तभी जीवन सार्थक है। हमारी प्रार्थना है, भूल गए हो अपने प्रीतम को, वास्तविक प्यारे को भूल गए हो, इसीलिए सब परेशान हो, भूल मिटाना है। ऐसा कोई ना समझे कि हम धन के बल से, पद के बल से जो चाहे वो करें और हम सुखी हो जाएं, ऐसी भूल नहीं, यही भूल मिटानी है। और वो भूल मिटती भगवान की शरण में, भगवान की शरण का भाव आता है संतों के पास जाने में। तो भगवान की कृपा से जैसे आप लोग आए हो, तो नाम जप करो, जितना आप नाम जप करोगे तो उतने आप आनंदित रहोगे। और अपने बुजुर्गों की सेवा करें, जो अपने माता पिता बुजुर्ग हैं, कोई पास पड़ोस में ऐसा हो जिसकी सेवा करने वाला ना हो, तो अपने को तन मन धन से सेवा कर, तो भगवान उससे प्रसन्न हो, और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो आप प्रसन्न ही रहोगे, है नहीं? हमसे गलत आचरण हो जाए और भगवान प्रसन्न हो जाए तो रुपया हमें प्रसन्न कर पाएगा? तो हमारा जो हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन है, वो तभी है जो हम पे भगवान प्रसन्न हो जाए, नाम जप करे। राधा राधा राधा।